उपचुनाव होने वाला है मुलायम सिंह की मृत्यु के बाद, दोनों पार्टियों से शहर पटा पड़ा जिस पर पूरा फोकस दोनों पार्टियों का सब जात पर ही है, क्योंकि जो क्या लगता है कि शिवपाल के साथ आने से वोट बैंक जो है जो बिखरा सा था, जिसको जो कंफ्यूज था, वो एक तरफ आए। गांव वाले अक्सर बोलते हैं ऑन कैमरा नहीं लेकिन ऑफ कैमरा बोलते हैं कि हमारे लिए दोनों बार। लोग जो नेताजी तक थे अब लोगों का वोट बटेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं और उनकी पत्नी, उनका पूरा परिवार जिस तरीके से मेहनत कर रहा है, हालांकि कहीं ना कहीं बता तो ये नहीं सकते हैं कि अब ये वोटरों में कन्वर्ट होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मैनपुरी में अखिलेश यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, पूरा पार्टी का काडर मौजूद है, उनकी पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं और अभी अभी वो मैनपुरी में ही आशीर्वाद सम्मेलन में शिरकत करके गए हैं। उन्होंने तमाम अपनी बातें रखी, उन्होंने कहा कि भाजपा जो है, जो प्रशासनिक अधिकारी है उनसे चुनाव लड़वा रहा है, उनके जरिए चुनाव लड़ रहा है। हमारे साथ मैनपुरी के कुछ पत्रकार मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि वो लगातार जमीनी स्तर पर बने हुए हैं, क्या उनको दिखाई दे रहा है, क्या उनकी थिंकिंग है, क्योंकि भाजपा अपनी जगह है, सपा अपनी जगह है। हमारे साथ अफाक मौजूद हैं, किस क्या लगता है आपको चुनाव की, आपको लगातार कवर कर रहे हैं आप, लगातार विधानसभा चुनाव आप कवर करते हैं, लोकसभा चुनाव कर रहे हैं, उपचुनाव होने वाला है मुलायम सिंह की मृत्यु के बाद, दोनों पार्टियों से शहर पटा पड़ा। देखिए अमराल जी, मुझे ये लगता है कि मैनपुरी का जो ये लोकसभा उपचुनाव है, इसमें सबसे मेन चीज़ दो तीन चीज़ें हैं। इलेक्शन तो वैसे भी जाती आंकड़ों पर ही होते हैं, लेकिन ये पहला इलेक्शन मैं देख रहा हूँ जिस पर पूरा फोकस दोनों पार्टियों का सिर्फ जात पर ही है, क्योंकि जो सभाएं हो रही हैं वो जात पर ही, जैसे कि एक चौपाल बिठा लेते तो उसमें अगर शाक हैं तो शाक के ही बैठे होंगे, जाटव समाज तो जाटव समाज बैठा होगा, कंबाइंड मैंने बहुत कम प्रोग्राम देखे हैं। दूसरा कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए, अगर कहीं से उनको जीत मिलती है या फिर वो अगर जो वोट मांग रहे हैं सिर्फ नेताजी की सिंपैथी के नाम पर, तो ये भी समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्लस पॉइंट मतलब बनकर आए। तीसरा मुझे लगता है कि बीजेपी की तरफ से रघुराज सिंह साक्षी से को हो सकता कोई और अगर कोई मजबूत उम्मीदवार होता तो फाइट दे सकता होता, हालांकि अगर आप ये कोई मामला बनसाइडेड है, बीजेपी जीतेगी या सपा जीतेगी ऐसा नहीं है, मामला फाइट में है, कंपटीशन है, कुछ भी हो सकता है। आप ये कहें कि डिंपल ही जीतेंगे ऐसा नहीं है, आप कहें रघुराज जी जीतेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि मैनपुरी ये सपा का घर तो हमेशा से रहा है, लेकिन आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जितने भी बड़ी लीडरशिप है, बड़े नेता हैं, डोर टू डोर क्या मतलब किस तरीके से प्रधान वोट मांगता होगा, इस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग वोट मांग रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं मामला फाइट में है। शिवपाल और अखिलेश दोनों फिर से एक साथ हो गए। शिवपाल कह रहे हैं कि डिंपल यादव जी ने फ़ोन किया उसके बाद मुझे आना पड़ा। क्या लगता है कि शिवपाल के साथ आने से वोट बैंक जो है जो बिखरा सा था, जिसको जो कन्फ्यूज़ था, वो एक तरफ आएगा? जाहिर तौर पर जसवंत नगर विधानसभा और जो मैनपुरी का एक क्षेत्र बन्नी दल जो बोला जाता है, वहाँ पे नेताजी शिवपाल यादव का बहुत ज़्यादा वर्चस्व है और कहीं ना कहीं उनके आने से समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर था, जो उनसे पिछले विधानसभा और लोकसभा में नाराज़ था, वो इस बार एकत्र हुआ है और मजबूती के साथ एकत्र हुआ है। और बात की जाए अगर प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य की, तो उनकी अपेक्षा जो पूर्व प्रत्याशी भाजपा से थे, वो कहीं ना कहीं उनके मुकाबले यहाँ ज़्यादा मजबूती स्थिति में, क्योंकि लोकल के थे। अगर जैसे गांव में हम जाते हैं चर्चा करते हैं तो गांव वाले अक्सर बोलते हैं ऑन कैमरा नहीं लेकिन ऑफ कैमरा बोलते हैं कि हमारे लिए दोनों बार ही है। और ज़्यादा अगर करीब की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को वो ज़्यादा करीब मानते हैं, क्योंकि जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो भी बाहर जसवंत नगर से आते हैं और नेताजी की ये कर्म भूमि रही है, तो उनकी बहू यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। आम लोगों में ये धारणा है कि नेताजी के वारिस को ही यहाँ से विजयी बनाया जाए। सिंपैथी वोट भी है, कुछ सिंपैथी वोट भाजपा कह रही, सिंपैथी वोट बिल्कुल नहीं मिलेगा, लोग जो नेताजी तक थे अब लोगों का वोट बटेगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि हालांकि ये गढ़ तो समाजवादी पार्टी गढ़ रहा है, क्योंकि जब से यहाँ से नेताजी मुलायम सिंह यादव ने संसदीय सीट संभाली तब से किसी पार्टी ने फतेह हासिल नहीं कर पाई, या बीजेपी का बसपा का हो, लोकसभा चुनाव में किसी ने फतेह हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि ये गढ़ कहा जाता था। हालांकि नेताजी के जाने के बाद जिस तरीके से जो शक वोटर हैं, अगर जो वोटरों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मैनपुरी में शक वोटर हैं,
यादव के पास सक वोटर हैं, यादव उसके पास सक वोटर हैं, तो कहीं ना कहीं इससे पहले भी बीजेपी ने जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो प्रेम सिंह सक को बनाया था प्रत्याशी नेताजी के खिलाफ, अब डिंपल यादव होते रघुराज सक को मैदान में उतार रहा है। हालांकि मुझे देखने में ये लगता है जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं और उनकी पत्नी उनका पूरा परिवार जिस तरीके से मेहनत कर रहा है, हालांकि कहीं ना कहीं बता तो ये नहीं सकते हैं कि अब ये वोटरों में कन्वर्ट होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सबसे पहली बात ये जहाँ तक की है कि गढ़ रहा है अपने गढ़ को बचाने में पुरजोर मेहनत करें, और बीजेपी भी कम नहीं पड़ रही है क्योंकि बीजेपी भी कल मुख्यमंत्री हो जाए बीजेपी भी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक रही है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमने आजमगढ़ गढ़ था वो भी ख़त्म कर दिया है, रामपुर गढ़ था वो भी ख़त्म, अब बारी हमारी मैनपुरी की है। हाँ जी, तो अब बारी मैनपुरी की है। जो स्थानीय पत्रकार हैं वो लगातार बने हुए हैं, वो चुनाव को कवर कर रहे हैं, चाहे वो गांव हो चाहे वो तहसील हो चाहे वो जिले स्तर का हो, हर एक बड़े रैलियों कवर कर रहे हैं। लेकिन वो एक पहले कहा जाता था कि अगर मुलायम सिंह मैदान में है तो चुनाव एक तरफा होगा, लेकिन अब डिम्पल यादव मैदान में है तो जो स्थानीय लोग पत्रकार हैं उनका वो भी एक तरफा नहीं हो पा रहे, वो कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है, 8 तारीख को मतगणना होगा, उस दिन पता चलेगा कि डिंपल यादव दिल्ली पहुंचती हैं या फिर रघुराज साक, क्योंकि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों ही इस सीट को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत और कोशिश कर रहे हैं। आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।